मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग. माय नेम इज आकांक्षा. आई होप यू आर डूइंग गुड एट होम सेफ एंड वाह मैं इधर देख रही हूँ कैमरा इधर है सॉरी. मॉर्निंग गाइज वेलकम बैक टू द चैनल. माय नेम इज आकांक्षा. आई होप यू आर डूइंग गुड एट होम सेफ एंड साउंड. और आज है डे टू ऑफ द शिफ्टिंग. एक्चुअली शिफ्टिंग अब सब खत्म हो गई है. एक्चुअली इट इज डे टू ऑफ सजाविंग एवरीथिंग इन द हाउस. एंड मैंने कल वीडियो में पूछा था कि मुझे सजेशन दो यार रूम के लिए मुझे क्या लेना है. और लोगों ने बोला है कि अमेजोन से स्टिकर्स देख लो. बट कौन से इज द क्वेश्चन. बिकॉज मैं जितने भी देख रही हूँ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि लूँ नहीं लूँ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा. तो वो चीज़ है. तो मुझे पर्टिकुलरली बताओ कौन सा अच्छा लगेगा मैं वैसा लूंगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव ऑन द प्रीवियस व्लॉग. मम्मी बहुत खुश होगी आप लोग सबका कमेंट्स देख के. एक्चुअली मम्मी ने अभी तक पढ़ा नहीं है बिकॉज मैंने आज सुबह व्लॉग डाला है तो मम्मी ने अभी तक वीडियो देखा ही नहीं है. मम्मी लगी हुई है किचन में. आज मम्मी का व्रत है. आज थर्सडे है तो मम्मी हर थर्सडे को साईं बाबा का व्रत रखती हैं. और मम्मी अभी लगी हुई है किचन में. एक्चुअली मुझे हेल्प करना चाहिए बट मैं हेल्प कर रही हूँ ऐसा नहीं है. बट मम्मी किचन से देख रही हूँ. मैं बाकी का सारा सामान बाकी का सारा घर का चीज़ देख रही हूँ. और ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका है. मुझे लग रही है बहुत जोर की भूख. अभी 1:30 बज रहे हैं बट आज मम्मी का व्रत है तो अभी तक शायद कुछ नहीं. मम्मी ने हम लोग के लिए सब बना दिया तो अभी कुछ खाते हैं और उसके बाद लगते हैं काम पे. वैसे तो सब कुछ खत्म हो गया ट्रस्ट मी. अभी सिर्फ इतना ही कचरा बाकी है. मैं दिखाती हूँ तो वो जो सामान बचा ना बस अब उतना ही बाकी. ये कल के चावल हैं जो अभी मैं खाने बोल रही हूँ मम्मी. और मम्मी मैंने अभी बोला तो मम्मी बोलती है बोलो बोलो लोगों को बताओ तुम कल के चावल फिर से खा रही हो. बट मम्मी ने उसको छोंक दिया तो इसको हम छोंक किया है. सब्जी हमारी कल की है नहीं. अभी हम इसको दही के साथ या भुजिया के साथ खा लेंगे और ये हो जाएगा. मुझे बहुत कस के भूख लग रही है तो मैं जल्दी से पहले कुछ खाने को लेती हूँ. What's up guys? Good morning. आज छोटी का लास्ट डे ऑफ स्कूल है. मैंने सोचा था कमिंग वीकेंड में मैं छोटी को वंडरला लेके जाऊंगी बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है मेरा प्लान बहुत ज्यादा ही डिमिनिश होता हुआ दिख रहा है. मुझे पता नहीं मैं उसको लेके जा पाऊंगी कि नहीं. बट हाँ आई वॉन्टेड टू टेक हर बिकॉज मैं अभी बहुत दिन से फ्लाइट्स नहीं कर रही हूँ एंड आई एम नॉट श्योर मैं आगे कब फ्लाइट शुरू करूंगी. सो आई वॉन्टेड टू यू नो एन्जॉय दिस टाइम. बट हाँ अभी हम लोग का ये सब शिफ्टिंग विफ्टिंग हो गया. बट हाँ फाइनली अब सारा शिफ्टिंग हो गया खत्म. ऑलमोस्ट घर सब अच्छे से सज चुका है. मैं एक अच्छा सा होम टूर करूंगी. अगला वीडियो होम टूर का वीडियो बनाऊंगी एंड उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आई एम गोइंग टू सेट अप माय रूम एंड देन आई विल शो यू हाउ इट इज. फिलहाल तो अभी छोटी गई है स्कूल. पापा गए काम पे एंड मम्मी इज इन द किचन. मम्मी भी 2-4 दिन अभी स्टोर और नहीं जाएंगी. मैंने अभी ब्रेकफास्ट तो कर लिया है. अभी मैं जा रही हूँ फटाक से रेडी होने एंड देन आई हैव टू गो टू द एयरपोर्ट बिकॉज आई हैव टू डू सम डॉक्यूमेंटेशन सम वर्क. So I have to go there before 4 o'clock because I don't know how long would it take there. So I have to go now. And again, airport yahan se 2 ghante door hai, so I have to take a cab and ask him to wait there only so that probably you know when the work is done, I can come back in the same cab or do something like that. So we jaldi se ready hote hain and then chalte hain. Mummy, tumne last video dekha tha? Last video ke comments padhe the? क्योंकि सबने तुम्हारी बहुत तारीफ की है. उन्हें बोला कि मम्मी के थॉट प्रोसेसेस बहुत अच्छे हैं. मम्मी को बोला और शेयर करने के लिए. मम्मी तुम जैसी भी रहो तुम सुंदर ही लगोगी ना. अच्छा लिपस्टिक लगा के व्लॉग के लिए भी तुम लिपस्टिक लगाओगी. नहीं है. हाँ तुम लोग तुम्हारा सबको बहुत तारीफ किया. मम्मी शर्मा का व्यूज और शेयर किया करो. मम्मी शर्मा क्या सोचती है और उनके एक्चुअली वो जो प्लांट्स वाला ज्ञान है वो मुझे तुम्हारी चाची से मिला है. मम्मी चाची को मम्मी चाची एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्लांट एंथुजियास्ट तो उनको देख देख के मम्मी बहुत इंस्पायर हो गई थी और मम्मी वैसी बन गई है. हाँ बट इससे ज्यादा बहुत ज्यादा ज्ञान मतलब लॉजिकल ज्ञान मेरी चाची को ज्यादा है. देखो उधर सारा प्लांट्स में आ गया है फूल. कोने में एक पिजन फिर से आ गया है. उसने अपना घर बना लिया. वैसे अभी तक वो पिजन था ही नहीं यहाँ पे. हमने जैसे ही ये सब सेटअप किया तो वहाँ नीचे उसके नीचे एक पिजन और आ गई है. सुबह सुबह उसका हस्बैंड भी आया था उसको छोड़ने के लिए तो मैंने हस्बैंड को तो भगा दिया पर वो फीमेल वहाँ जाके बैठ गई है. और 2-4 दिन से काम करते करते मैंने अपना स्किन का एकदम ख्याल नहीं रखा. मेरा स्किन क्वालिटी ना बहुत पतला है. मतलब पतला मतलब लिटरली ये वाला पार्ट आप स्किन देखोगे ना तो दिस इज वेरी 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 थिन. 2-4 दिन भी क्या एक दिन भी अगर मैं ढंग से इसका ख्याल नहीं रखूँ तो मुझे इमीडिएटली रिएक्शन होने लग जाते हैं फेस पे. तो कल मैंने रात को अपना किया थोड़ा सा स्किन केयर. वो प्रोलिक्सर वाला पूरा स्किन केयर रिजीम फॉलो किया. मुझे बहुत अच्छा लगा. एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं उसका एक अच्छा से वीडियो बना के डालूंगी. पहले मैं देख रही थी मैं खुद ट्राई करती हूँ कि कैसा लगता है बट मुझे सही में बहुत अच्छा लगा. तो मैंने उसका वीडियो तो कल नहीं बनाया बट बस ऐसे रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि एक्चुअल में इफ यू वॉन्ट टू ट्राई सच प्रोडक्ट्स
थोड़ा एक्सपेंसिव है बट उसका जो क्वालिटी था इट इज़ वे डिफरेंट देन वॉट वी जनरली यूज की एवरयूथ का, हिमालयाज का, ये सब जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसका और उसका क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब मैं जल्दी से बेड समेटती हूँ, अंदर सेटल करते हैं, फिर हम नहाने जाते हैं और जल्दी से हम रेडी होकर फिर निकलते हैं, वरना मुझे नहीं पता वहाँ पर कितना समय लगने वाला है। पेपर वर्क करना बाकी है तो आज वो पेपर वर्क मोस्टली हो जाना चाहिए। मुझे एक हफ्ता हो चुका है, एक से डेढ़ हफ्ता हो चुका है कि मैं अभी फ्लाइट नहीं कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली में ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ बहुत बैक टू नॉर्मल टाइप्स लग रहा है, एज इन मतलब स्किन मेरी उतनी ख़राब नहीं हो रही, मेरा हेयर ख़राब नहीं हो रहा, मेरा स्लीप पैटर्न नॉर्मल हो गया है, तभी सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो चुका है। फ्लाई इसलिए नहीं कर पा रही थी बिकॉज हमारा जो एक लाइसेंस होता है हम उसके बिना एयरपोर्ट एंट्री नहीं कर सकते, तो वो लाइसेंस मेरा एक्सपायर हो गया था, उसकी वजह से अगर मुझे एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी तो मैं कोई ड्यूटी नहीं कर सकती हूँ, तो उसको और वो बनाने का प्रोसेस कंपनी का भी नहीं होता, वो डायरेक्ट डीकैस से बन के आती है, तो अभी वही पेपर वर्क मुझे अभी जल्दी जाके कंप्लीट करना है, उसके बाद कुछ और फॉर्मेलिटीज़ होंगी और उसके बाद मुझे फ्लाइंग करना शुरू अलाउ होगा। अभी दोपहर हो चुका है तो आई एम गोइंग टू गो एंड सी हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक, एंड उसके बाद फिर आराम से घर जाके कुछ कुछ अभी घर के लिए सामान खरीदना बचा है, एज इन कुछ प्लान्स के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेनी है, छोटी के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेनी है, तो अगर आज हुआ तो आज हम बुक करेंगे, नहीं हुआ तो फिर देखते हैं क्या कल या परसों जाके करेंगे। होम अभी बहुत रात हो चुका है, कि बहुत रात भी नहीं, 9:30 बज रहे हैं बेसिकली, मेरा काम खत्म हुआ बट उसके बाद बारिश बहुत गंदी शुरू हो गई थी तो कैब्स मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, जाम तो अत्यंत क्योंकि फ्राइडे था तो ऑब्वियसली मिलना ही था, तो बहुत सारा भसड़ बच गया था रास्ते में ही, बट नाउ आई एम बैक होम एंड मेरा जो डॉक्यूमेंट है मतलब मेरा जो लाइसेंस है वो आ जाएगा 2-3 दिन में, मतलब मेरी जो ये छुट्टी थी 1 हफ्ते की वो होने वाली है ख़त्म, एंड I don't know why but I'm not liking it. मुझे छुट्टी अच्छी लग रही थी बट एनी वेज अब मेरे पास बस 1 या 2 दिन ही बचा है, सो कल आई एम थिंकिंग टू टेक अक्षरा आउट समवेयर टू हैव सम गुड क्वालिटी टाइम एंड एन्जॉय, एंड फिर अगले दिन से मुझे पढ़ाई शुरू करनी होगी बिकॉज मेरा जो नेक्स्ट फ्लाइट होगा इट इज गोइंग टू बी एन एग्जाम फ्लाइट फॉर मी, एज इट ट्रू विल नो इट इज गोइंग टू बी चेक फ्लाइट फॉर मी, आई हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट बिकॉज चेक फ्लाइट के एग्जाम्स थोड़े से टफ होते हैं एज कम्पेयर टू वॉट वी एक्चुअली गिव इन आई फ्लाई, सो इट्स गोइंग टू बी लिटिल टफ, सो हैव टू स्टडी अ लॉट, सो अभी तो हम लोग जल्दी से देखते हैं कल हमें क्या प्लान करना है, क्या करनी है, पैकिंग वैकिंग शुरू करते हैं और फिर उसके बाद जल्दी से सो जाते हैं ताकि हम जल्दी उठ के कल इंजॉय कर पाएं। लेट मी शो यू हाउ माय नाइट स्किन केयर रूटीन लुक्स लाइक, सो बेसिकली मैं हर दिन सेम रूटीन नहीं फॉलो करती हूँ, मेरा को जो समझ में आता है कि आज कुछ अलग करते हैं मैं वही फॉलो करती हूँ। मैंने शुरू किया है सीरम से, मैंने लगाया प्रोलेक्सा का सीरम और उसके बाद मैंने आज यूज़ किया विटामिन ई कैप्सूल, बहुत दिन से मैंने कैप्सूल रात में नहीं लगाया था तो मैंने उसको लगा लिया फेस पे, एंड ये मैं अपने आई लैशेज में भी लगाती हूँ फॉर अ बेटर ग्रोथ, एंड फिर मुझे लगा मैं थोड़ा ऑयली कर लिया तो मैंने उसके ऊपर एलोवेरा जेल भी लगा लिया, उस और जो एक्स्ट्रा हाथ में बच गया मैंने उसको हाथ में लगा लिया, उसके बाद मैंने बालों की चोटी कर ली बेनी बेसिकली, एंड उसके बाद मैंने लिप्स पे लगाया बोरोलिन, वैसलिन से लाजा मुझे लगता है बोरोलिन काम आती है। That's it guys for today's vlog. I know आज का vlog बहुत छोटा था एंड अभी मेरा face बहुत oily लग रहा होगा, it is because of the oily regime that I have done for tonight, and I hope you guys like this video. If you did, please do hit the like button and also comment, and I will see you all in the next video. Take care of yourself till then, bye bye and Jai Hind.